घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्यों ना हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता दें जो लॉकडाउन के समय में आपकी बहुत मदद कर सकता है, और इस नुस्खे से आप अपने चेहरे को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और चेहरे की तमाम कॉस्मेटिक समस्याओं को इस नुस्खे से दूर कर सकते हैं। हर औरत और पुरुष का सपना होता है कि उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखे। इसके लिए बाजार में केमिकल युक्त फेशियल और बहुत तरह की क्रीम उपलब्ध हैं और इनकी भरमार है, जिससे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। और इसीलिए आज हम आपके लिए एक ऐसा फेशियल पैक लेकर आए हैं जो आपकी त्वचा को 10 साल तक जवान बना देगा। इसमें केवल दो घरेलू औषधियों की आवश्यकता होगी, एक है बेकिंग सोडा और दूसरा है नारियल तेल। दोस्तों, बेकिंग सोडा भी हमारे कई सारे व्यंजन बनाने में किचन में इस्तेमाल होता है, और नारियल तेल ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें नारियल का तेल ना हो। ये दोनों ही चीज सभी के घरों में मौजूद होती हैं। दोस्तों, आप इस प्राकृतिक फेस क्लीनर का नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो आप आसानी से मुहांसे, दाग धब्बे, मुहासों के काले दाग धब्बे, चेहरे की झाइयां और कई तरह की कॉस्मेटिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही ये प्रभावी ढंग से त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटा देता है और अद्भुत तरीके से काम करता है, और जिसकी वजह से आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसके अलावा ये रोम छिद्रों की सफाई करता है, मुहासों को दूर करता है और मुहासों के काले दाग धब्बों को दूर करता है। इस औषधि का इतना प्रभावशाली होने की वजह इसमें शामिल सामग्रियों का मिश्रण है। बेकिंग सोडा त्वचा के पीएच लेवल को संतुलित करता है, जिससे मुहासों को रोकने में मदद मिलती है, और नारियल तेल अद्भुत जीवाणुरोधी चिकित्सा और मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर होता है। ये त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आप 2 चम्मच शुद्ध नारियल तेल ले लीजिए। ये हम आपको नुस्खा बनाकर दिखाई देते हैं, आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। दो चम्मच हमने इसमें नारियल तेल लिया है, और इसी तरह से हम इसमें लेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसका पेस्ट बन चुका है और पेस्ट ही आपको बनाना है। ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है और इस तरह से ही नुस्खा बनकर तैयार है। दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, जब भी आप इसको नुस्खे को बनाएं तो हमेशा ही कांच की कटोरी का इस्तेमाल करें, सबसे पहली बात तो ये है। और जब ये पेस्ट बन जाए तब आप इसको अपने चेहरे पर हल्के हाथ से धीरे धीरे लगाकर मालिश करें, और 5 मिनट तक मालिश करने के बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें, यानी हल्का गर्म पानी से अपने चेहरे को साफ कर लें, उसको धो लें। नारियल तेल आपकी त्वचा को हाइड्रेट करके रखेगा और इसीलिए बाद में मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है चेहरे पर लगाने की, क्योंकि नारियल का तेल है और ये काफ़ी है आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए। दोस्तों, आप इस नुस्खे को यदि रोज ना लगा सकें तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन जरूर लगा लें। तो दोस्तों, आपके चेहरे की स्किन बहुत ही खूबसूरत, साफ सुथरी और दाग धब्बे रहित हो जाएगी, और पहले से 10 साल जवान आप दिखने लगेंगे। ये चेहरे की तमाम खराबियों को दूर करता है जो हम आपको बता चुके हैं। और यदि हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही शानदार नुस्खा है, आज से ही आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करना शुरू करें। यदि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत और
पहले से ज़्यादा जवान दिखना चाहते हैं। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है नुस्खा जो जिंदा दिल इंसान हैं, जो अपने आप को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।